सर जब मैं फील्ड में निकलता हूँ तो जो अपना प्लान समझाने के बाद में लोग कंप्लीट हो जाते हैं फॉर्म हम तैयार करने के बाद में, फिर बाद में बहाने बना के निचड़ जाते हैं, नहीं बोल देते कि अरे यार आज नहीं बाद में देखेंगे। ओके और पिछले एक महीने में अगस्त महीने में आपका पॉलिसी हुआ है क्या, कितना हुआ या बिल्कुल नहीं हाँ हुआ? हुआ था, दो पॉलिसी हुआ, दो पॉलिसी हुआ था। और मीटिंग कितनी करी थी? 10 लोगों को समझाया था सर। 10 लोगों को समझाया था और उसमें से दो पॉलिसी आ गई आपकी? हाँ सर, दो आ गई। ठीक है, बाकी के 8 लोगों ने फॉर्म तैयार कर दिए हैं लेकिन चेक हाँ, नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। सब कर दी भाई, पेमेंट देने में आगे पीछे हो गए और फिर हाँ, के बाद में देखेंगे। कोई बात, चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको, है ना, आपकी आवाज को म्यूट कर रहा हूँ। ओके, सबसे पहली बात, अच्छी बात यह है कि आपने एक महीने में 10 लोगों के साथ में मीटिंग करी और उसमें से 2 लोगों ने पॉलिसी दे दिया, मतलब इसे कहते हैं 20% कन्वर्जन कि 10 में से 2 पॉलिसी मिल गई। साथ ही साथ दूसरी एक खुशी की खबर यह है कि बाकी के 8 लोगों ने मना नहीं कर दिया है, लेकिन उन्होंने फॉर्म भरने के बाद में आपको पैसा नहीं दिया है और बोला है कि चलिए बाद में देख लेते हैं, ना फिलहाल नहीं करना है। तो रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो इट्स अ वंडरफुल रेशियो कि भैया आपने काम तो अच्छा किया, मतलब आपका जो बात करने का तरीका है लोगों के साथ में वो लोगों की समझ में आ रहा है। ये होना बड़ा स्वाभाविक है कि जब अपन बात करेंगे आदमी फॉर्म भी भर दे और बाद में बोले कि चलिए अगले महीने या तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं, तो अब ये 8 लोग जो बचे आपके वो फॉलोअप में जाएंगे, ठीक है कि उनको हमें मिलकर के उनका फॉलोअप करना है। लेकिन एक चीज की कमी जो मुझे नजर आ रही है वो ये है, आप भी सोचिए इस विषय पे कि एक महीने में मात्र 10 लोगों को पॉलिसी समझाना, ये क्या सही है क्या? 30 दिन के अंदर 10 लोगों को पॉलिसी समझाना, मेरे हिसाब से ये नंबर कम है। अगर अपन एक दिन में 2 लोगों को भी समझाए और संडे को काम ना करे और मात्र 25 दिन काम करे तो भी एक महीने में 40 से 50 लोगों को तो कम से कम पॉलिसी के बारे में बात करनी चाहिए। और आप सोच करके देखिए कि आपका समझाने का तरीका इतना अच्छा है कि आप 10 लोगों को समझाते तो उसमें से 10 लोग तो आपको पेमेंट दे भी देते हैं, बाकी के 8 लोग आपको वादा करते हैं कि चलिए बाद में देखेंगे। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो यदि हमने 50 लोगों को मिले होते और या तो 40 लोगों को मिले होते तो आपकी 8 पॉलिसी हो चुकी होती। तो पहली चीज, अगर मैं आपकी जगह पर हूं, पहला जो फोकस करूंगा वो इस विषय पर करूंगा कि मैं अपने कॉल्स और मीटिंग्स बढ़ाऊंगा, नंबर वन। नंबर टू की जिन 8 लोगों ने बाद में बोला है अब उनका फॉलोअप करना है, और फॉलोअप करने का तरीका क्या होना चाहिए कि फॉलोअप करने में उनके पीछे नहीं पड़ना है हमें कि भैया हाँ आपने बोला था चलिए बाद में देखेंगे, तो आपने तो कुछ तय किया कि नहीं किया। जब अपन फॉलोअप का टॉपिक लेंगे तो डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल जब आपने सवाल किया ही है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में कि फॉलोअप का मतलब किसी के पीछे पड़ना नहीं होता। फॉलोअप का मतलब होता है बी इन टच विथ योर प्रोस्पेक्ट या तो बी इन टच विथ योर कस्टमर, मतलब अपने कस्टमर के संपर्क में रहना है। मान लो कि मैंने आपको बीमा समझाया था, पॉलिसी समझाई थी और आपने डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिया था लेकिन चेक नहीं दिया था। अब मैं जब आपके पास में आऊंगा ना तो आपके दिमाग में क्या होगा कि अभी आनंद जी जो है पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, मेरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं बात ही नहीं करूंगा। मैं आकर के सिर्फ आपके साथ में बैठूंगा, चाय पीऊंगा, संजय जी बाकी सब जीवन में कैसा चल रहा है क्या नहीं, जब मैं आपकी पॉलिसी के बारे में बात नहीं करूंगा, जब मेरे बात किए बगैर आप खुद ही अपने साथ में अपनी पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हो तो मुझे बात करने की जरूरत क्या है? कि इनडायरेक्ट फॉलोअप होता है। अगर मैं LIC एजेंट हूं तो मुझे देख करके आपको अपनी पॉलिसी खुद ही याद आने वाली है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम खुद जाकर के कस्टमर को बोलते हैं कि हाँ जी आपने वादा किया था, क्या हुआ उसका, आपने बोला था कि 4 दिन के बाद पॉलिसी दे दूंगा या तो अगले महीने कर लूंगा। जब आप नहीं मांगोगे ना उनसे तो उनको खुजली होना चालू हो जाएगी कि यार ये पॉलिसी की बात क्यों नहीं कर रहा। फिर 2-4 दिन के बाद में मैं दोबारा वहां पर आऊंगा आपके पास में तो हाथ में कुछ मिठाई विठाई लेकर के आऊंगा और आपको बोलूंगा कि संजय जी मिठाई खाइए, एंड एक्चुअल में पिछले महीने मैंने 12 लोगों के भविष्य को सुरक्षित किया इसलिए मेरी कंपनी ने मेरा सम्मान किया हुआ है, तो मैं आपके साथ में भी मेरी खुशी बांटना चाहता हूँ, लीजिए मुंह मीठा करिए, मैं आपकी पॉलिसी नहीं मांग रहा हूँ लेकिन मैंने 12 पॉलिसी की है इसलिए मेरी कंपनी ने मेरा सम्मान किया, ये बोलकर के मैं आपके अंदर ये खुजली पैदा कर रहा हूँ कि भाई आपने पॉलिसी नहीं करवाई लेकिन मेरा काम तो चल ही रहा है। कस्टमर ज्यादा नौटंकी कब करता है मालूम है, जब कस्टमर को ये महसूस हो कि मैं अगर पॉलिसी नहीं ले रहा हूँ तो इसका धंधा अटका हुआ है, या दुनिया में और कोई पॉलिसी कर ही नहीं रहा है, दुनिया में और कोई अपने भविष्य को सुरक्षित कर ही नहीं रहा है, तो हमें कस्टमर को ये एहसास कराना पड़ता है कि भाई दुनिया अपने भविष्य को सुरक्षित कर रही है, दुनिया LIC की पॉलिसी ले रही है, आप छूट ना जाओ इस चीज का ध्यान रखो, ये बोल के नहीं बिहेवियर से हमारे व्यवहार से उनको ये जताना है। तो जब मैं आपके पास में आऊंगा और आपका मुंह मीठा कराऊंगा और फिर निकल जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि चलिए और भी लोगों का मुंह मीठा कराना है बाद में अपन आराम से मिलते हैं, तो ऐसा 2-3 बार होगा ना एक महीने के अंदर, तो अपने आप उस समय तक आप तैयार हो जाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, आप सभी लोगों को ध्यान से सुनिएगा फॉलोअप करना कैसे है। साउथ अफ्रीका के जंगलों में ना एक मेंढक की जाति है और उनको कहा जाता है बुल फ्रॉग, मतलब बहुत बड़े मेंढक वो होते हैं।
सभी टेम्परेचर के पानी में उस मेंढक की एक पर्टिकुलर बिहेवियर रहती है, कितने टेम्परेचर के पानी में वो सो जाता है, कितने टेम्परेचर के पानी में वो तैरना चालू करता है, कितने टेम्परेचर के पानी में वो खेलना चालू करता है, ये सारा स्टडी किया उन लोगों ने। और फिर बुलफ्रॉग जो है वो वहां पर एक खाने का डिश भी है कि वहां के लोग बुलफ्रॉग पका करके खाते हैं। लेकिन बुलफ्रॉग को अगर उबलते हुए पानी में डालोगे ना, तो मेंढक क्या करता था, शुरू शुरू में उन्होंने ये किया कि पानी को उबाला और फिर मेंढक को पकड़ के उसमें डाला। अब जैसे ही उबलते हुए पानी में मेंढक को डाला ना, तो मेंढक जंप करके बाहर निकल जाते। फिर उन्होंने पूरा रिसर्च किया कि कौन से टेम्परेचर के पानी में मेंढक को डाला जाए कि मेंढक खुद के बाहर ना निकले। तो फिर उन्होंने वो टेम्परेचर वैसे किया, फिर उस टेम्परेचर में मेंढक वहां पर तैरने लगे। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो उस टेम्परेचर में मेंढक ने तैरना बंद करके एक जगह पर ऐसे ही पानी के ऊपर पड़ा रहा। और फिर धीरे धीरे टेम्परेचर और बढ़ाया, तो उस टेम्परेचर में मेंढक सो गया, उसकी आंखें बंद हो गई और वो सो गया। धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते मेंढक को खुद को पता नहीं चला कि वो कब उबल गया, कब बॉइल हो गया और कब खत्म हो गया। इस बात से समझना ये इस कहानी से कि कस्टमर को कभी भी उबलते हुए पानी में मत डालो, नहीं तो वो खुद के बाहर निकल जाएगा। हम गलती क्या करते हैं, सीधा ही कस्टमर को जाकर के बोलते हैं कि हाँ भी आपकी पॉलिसी का क्या हुआ, आपने बोला था, तो हमने क्या किया, मेंढक को उबलते हुए पानी में डाला, तो मेंढक खुद के बाहर निकल जाता है कि चलिए बाद में मैं सोच के बताता हूँ। फिर धीरे धीरे लोग हमारा फोन उठाना बंद कर देते हैं, फिर धीरे धीरे हमें लोग टालना शुरू करते हैं। ऐसी परिस्थिति कब होती है कि जब आप कस्टमर को उबलते हुए पानी में डालते हैं। लेकिन मैं जब पहली बार आपके पास में मिलने के लिए आया, तो मैंने कोई बात नहीं करी आपसे, बस आपका चाय पिया और बोला आप कैसे है, क्या है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेंढक को आरामदायक पोजीशन में लेकर के आ रहा हूँ, कंफर्ट जोन में लेकर के आ रहा हूँ। फिर जब मैं दूसरी बार गया आपके पास में, तो मैंने बोला कि ये मिठाई खाइए, मैंने पिछले महीने 12 लोगों के भविष्य को सुरक्षित किया, तो मेरी कंपनी ने जो है मेरा सम्मान किया है, तो आपके साथ में भी खुशी बांटना चाहता हूँ, आप भी मुंह मीठा करिए और मैं प्यार से खुद एक मिठाई का टुकड़ा लेकर के आपके मुंह में डालूंगा। तो मैंने क्या किया, टेम्परेचर और बढ़ाया। फिर जब मैं तीसरी बार मिलूंगा, टेम्परेचर और बढ़ाऊंगा, और ऐसे 3-4-5 बार करते करते मेंढक कब बॉइल हो जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। तो फॉलोअप करने का ये तरीका है कि बुलफ्रॉग टेक्निक से यदि आप फॉलोअप करते हैं ना, तो पॉलिसी आपकी आती रहेगी। तो अगले महीने, अभी इस महीने आपको क्या करना है संजय जी, कि इस महीने पहला स्टेप जो आपको करना है कि नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ाइए, अपने नंबर ऑफ मीटिंग्स बढ़ाइए। पिछले महीने जो 10 लोगों को समझाया, इस महीने कोशिश करें हर रोज एक व्यक्ति को मिलिए और उसको समझाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 से सीधा 40 पे पहुंच जाइए, लेकिन इस महीने एटलीस्ट 10 से आप 25 पे जाइए, तो आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। 10 में से 2 लोगों ने आपको पॉलिसी दे दिया था, 25 में से 4-5 पॉलिसी आपकी निकल जाएगी। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि पिछले महीने की तुलना में आपका नंबर ऑफ पॉलिसी बढ़ेगा। दूसरा काम क्या करेंगे कि पिछले महीने जिन 8 लोगों ने हमारा फॉर्म वॉर्म भर दिया लेकिन अभी पैसा नहीं दिया है, उनका ये बुलफ्रॉग टेक्निक के माध्यम से फॉलोअप करना है, उनको मिलते रहना। आप में से बहुत सारे लोग जो गांव के जुड़े हुए लोग होंगे, उनको मालूम होगा आप गाय को लकड़ियां मार मार के एक बूंद दूध नहीं निकाल सकते, एक बूंद नहीं देगी वो। लेकिन अगर उसी गाय के आगे आप चारा डाल दोगे और गाय के गले को ऐसे ऐसे सहलाते रहोगे ना, तो 4 लीटर की जरा 1 लीटर फालतू में दे देगी, 5 लीटर दूध दे देगी। तो प्यार की भाषा जानवर को भी समझ में आती है, हम तो इंसानों के साथ में काम करने वाले लोग हैं। तो कोशिश ये करें कि कस्टमर को ज्यादा उबलते हुए पानी में डालने की जगह, या तो एक कठोर फॉलोअप की लाठियां मारने की जगह, प्यार से उसको पता भी नहीं चलेगा और वो प्रीमियम दे देगा। आपके इस सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके इस सवाल की वजह से बहुत सारे लोगों को फॉलोअप करने का तरीका पता चला होगा।